अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी जो रंगीली है ना, इसको आपको याद होगा कि मैंने इसके 4 अंडे अपनी वो लड़ाकी मुर्गी के नीचे रखे थे। मुर्गी ने यार क्या रंग लगाया है वो तो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, लेकिन जो मेरी रंगीली है ना, माशाल्लाह से इसने भी अंडे देना बंद नहीं किए और तब से लगातार अंडे दी जा रही है। और अभी तकरीबन 13-14 अंडे होंगे, मैंने काउंट नहीं किए इसके अभी तक। और ये दोनों जो हैं मेल हैं और बाकी सारी फीमेल हैं, लेकिन फिर भी अभी तक किसी ने अंडा देना शुरू नहीं किया। बाकी सिर्फ रंगीली अभी तक अंडे दे जा रही है। पर गिनी फॉल तुम कहाँ पहुँची हुई हो? इधर आओ, यहाँ तुम्हारी फीट डाली हुई है, फीट खाओ आके। ऊपर चढ़ के वहाँ बैठी हुई है दीवार पे। और मेरा जो शर्मीला है ना यार, इतना अच्छा हो गया, अब यहीं पे होता है पक्का और कभी भी वहाँ नहीं जाता। और शर्मीली भी अच्छी हो गई है काफ़ी, लेकिन शर्मीली की एक बात है कि वो इतनी शरारती है ना कि जैसे शाम होती जाती है तो इस दीवार पर चढ़ती है और इस ऊपर पौधे पर चढ़ जाती है। जैसे वहाँ पर इसको आदत थी कि दरख्त पर चढ़ जाती थी, यहाँ पर भी ऐसे चढ़ जाती है। और शर्मीला बेचारा रोज़ इसको ढूंढता रहता है कि शर्मीली किधर गई है, लेकिन ये इतनी शरारती है, सुबह होती है तो नीचे आ जाती है और रात को छुप के पूरी रात ऊपर गुजारती है। और ये एक मोर तो हमारा यहाँ पे घूम रहा है, इसकी टेल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। और बाकी दूसरा हमारा मोर बुनी मोर शायद वहाँ पे घूम रहा है, ये यहाँ पे घूम रहा है। ये देखें मोर तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये जा रहा है चुप करके। और मोरनी पता नहीं अब किधर गायब हुई, नज़र नहीं आ रही मोरनी, वहाँ नीचे अंदर गई हुई उसके सब्जे के। और ये इतनी अच्छी आदत, इनकी आदत हो गई है कि यहाँ से बाहर जाते हैं लेकिन यहीं पे इस एरिया में घूमते हैं, और शाम को आते हैं ना तो इस झूले के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। और मैं भी इनका उतारता नहीं ऊपर से, मैं भी ठीक खुश हूँ कि यहाँ पे बैठे रहें और पूरी रात यहीं पे बैठे रहते हैं और मैं इनको उतारता नहीं हूँ यहाँ से, क्योंकि जैक वगैरह इनको कुछ भी नहीं कहता रात को। और ये लड़ाइयाँ कहाँ हैं आपस में, शर्मीला और शेरू की बहुत बिल्कुल दोस्ती नहीं बनती है इनके आपस में। और पिजल का भी हाल फाल देख लो उनका, मैं तो आज दरवाज़ा बंद किया। ये देखो ये फीमेल अंदर जाना चाह रही है, ये देखें इसको भी। चलो जी आ जाओ, चले जाओ अंदर, जाना है तो अंदर जाने का शौक होता है, बाहर नहीं आते पता नहीं क्यों। बंद क्यों कह रहे हो दोबारा? तुम्हें याद नहीं है नए पिजल बनाए थे? ओ हाँ, मैंने आपको बताया ही नहीं है कि कल हम कुछ नए पिजल लाए थे। ये देखें दरवाज़ा खोलो थोड़ा, ये देखें सारे यहाँ ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। ये देखें एक दो तीन चार पाँच छः पिजल हम कल नए लाए थे। और अभी मैं दिल तो नहीं थके इनके यार, पर मैं बांधूँ इसलिए मैंने इनको यहाँ पे खुला छोड़ा है। जब ये सेट हो जाएंगे तो मैंने बाहर निकाल दूँ इनको। और यार इन बेचारों को भी सजा मिली हुई है कि खेत का दरवाज़ा बंद है और ये भी बाहर नहीं जाते, वैसे भी जाते नहीं है। चलो मैंने कहा खैर अंदर ही बंद हो, कहाँ पर हैं बच्चे मुझे भी दिखाओ। ये भी यहाँ बैठी हुई है, इसको भी देखो ज़रा, और इसको उठाओ, है बच्चा कोई, उठा लो उठा लो। ओ माशाल्लाह से एक बच्चा निकाला हुआ इसने और एक अंडा भी तक पड़ा हुआ है। चलो बिठा दे इसको। और ये देखिए तो डर ही जा रहे हैं यार, डर रहे हमसे, रह रहे हैं आप। इसको भी देख लो, इसके अंडे अंडे हाँ। दो अंडे और बाकी इसका भी देख लो। और तुम क्यों उड़ी जा रहे हो, एक जगह बैठो तो सही। ये देखो इसको अब कहाँ जा रहा है, ये ओहो सैन, ये हाँ? देखो दो बच्चे माशाल्लाह, दो बच्चे निकाल दिए इन्होंने। अच्छा हो गया, अब जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं ये भी। अब और शीट उतार दे, मैं तो कहता हूँ अब जरूरत नहीं है शीट। नहीं यार मैंने उतारी थी, अंदर जाती ही नहीं थी उसके बाद। क्यों पता नहीं, आधी हो गया। अच्छा इनको शीट का ये आधी हो गई कि शीट सामने लगी है और इनको अपना बॉक्स समझ नहीं आता कि हमारा बॉक्स कौन सा है। दोबारा शीट लगाई है, भाग के अंदर चलेंगे। अच्छा चलो फिर नहीं उतारते अभी, बाहर चलो। ये तो ना टक्कर लगा के यहाँ पे पागल हो जाएंगे। जल्दी से बंद कर दो जल्दी बाहर आओ। इन दोनों टर्की बैठ के देखे, इनको इतना शौक है ना झूले लेने का, दोनों एक दूसरे के झूले देते हैं। वो पीछे से वहाँ से धक्का देते रहता है झूले को और ये आगे से देता रहता है, झूला हिलता रहता है थोड़ा बहुत। अभी इनको भूख लगी है और दोनों वापस आ गए, मोर भी मोरनी भी। मुझे यार इन्होंने सही खुश किया है काफ़ी दिनों से, क्योंकि यार बिल्कुल अच्छे हो गए और अब कभी बाहर नहीं जाते। और इसको देखिए यार, इसके बीच में से दाने खाई जा रही है, तो मैं यहाँ डालता हूँ, ये पास जाऊँगा तो ये फिर भाग जाएगी यहाँ से। चलो खाने तो खैर है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी लड़ाकी मुर्गी ने यार कितने बच्चे निकाले हैं। ये देखें यार, हटो यार थोड़ा सा साइड पर, तो बच्चों को नीचे लेके बैठ गई है। ये एक बच्चा जो है ये ब्लैक वाला निकाला है और दूसरा ये छोटा सा येलो वाला निकाला है। और ये तो यार पुराना बच्चा है जिसकी माँ मर गई थी और मैंने इसको यहाँ छोड़ा, अभी ये काफ़ी बड़े हो गया यहाँ पे।
और यार इसके लड़की मुर्गी के नीचे 12 अंडे थे, 8 तो इसके अपने थे और बाकी 4 हमारी रंगीली के थे। और यार इसने रंगीली का एक बच्चा भी नहीं निकाला और अपने सिर्फ ये 2 निकाले हैं। हम तो इतना खुश थे कि इतने बच्चे निकालेगी, डक के बच्चे भी निकालेगी और अपने इसके काफ़ी बच्चे हो जाएंगे। लेकिन यार सही रंगी लगा दिया है ना मुझतबा, बहुत सैड किया इसने हमें। बहरहाल जो बच्चे इसने निकाले हैं वो यार काफ़ी क्यूट हैं। पकड़े देगी जरा तो पकड़ने दो, इधर आओ जी। ये इतना शरारती है छोटू, ये देखना। हाँ ये छोटा सा येलो सा, और दूसरा तो अपनी माँ पे गया है ये ब्लैक वाला। चलो जी भाग जाओ। ओ तुम भी पहुँच गए हो, अच्छा अभी इनको भूख लगी है और तभी आई है यहाँ पे और खाती भी इनको ये रोटी खाती हूँ। वो देखे वहाँ शर्मिला लड़ाइयाँ कर रहे मुर्गी के साथ। चलो डालता हूँ रोटी, यहीं पर ठहरो। और अब ये इंतज़ार में यार अंदर जाने के, क्योंकि अंदर न्यू पी जनरेस थी, मैं दरवाज़ा नहीं खोला। लेकिन चलो आओ तो मैं अंदर भेजता हूँ। और ये दो तो यहाँ पहुँचे, इनको नहीं जल्दी अंदर जाने की। आओ तो मैं भेजूँ, मैं आओ जल्दी से आ जाओ ना, वो भी निकल जाएंगे तुम्हारे चक्कर में। आ जाओ, भागो भागो अंदर भागो दोनों। चलो जी अब बाहर नहाना, पहले बाहर आने की जल्दी होती है फिर अंदर जाने की काफ़ी जल्दी होती है इनको। तो आज का व्लॉग यहाँ पे करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।